के हरे पेड़ सहित आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने गांजे के हरे पेड़ के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए गए। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना तहसील नांदघाट जिला बेमेतरा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर ग्राम रोहरा मेहना के घर में छापा मारा गया। इस दौरान मिथिलेश वर्मा पिता मोहित वर्मा उम्र 40 साल ने अपने घर में छापा मारा गया। उनके आंगनबाड़ी में गांजे के हरे पेड़ पाए गए, जिनको कटवाकर तौल कराने पर पेड़ जिनका वजन 7 किलो ग्राम बरामद किए गए। पुलिस द्वारा जब्त गांजे को अपने थाना में रखी गई है। आरोपी के विरुद्ध धारा 20 का NDPS एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को शनिवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी विपिन रंगारी सहित उनकी पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही। आज नांदघाट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम रोहरा में एक व्यक्ति के घर में गांजे की बाड़ी में गांजे की खेती की जा रही, तो उस सूचना पर पुलिस के द्वारा रेड कार्रवाई की गई, तो सूचना सत्य पाई गई। उस व्यक्ति का नाम है मिथिलेश वर्मा, पिता मोहित वर्मा, उम्र 40 वर्ष, ये ग्राम रोहरा का रहने वाला है। और इस व्यक्ति के बाड़ी में दो गांजे के बड़े बड़े पौधे मिले हैं और उसको जो है पुलिस द्वारा रेड कार्रवाई कर जब्त किया गया है और उसमें व्यक्ति को गिरफ्तार कर धारा 20 का नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। गांजे के पौधे जो है उसका वजन करीब 7 किलो करीब है।